हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया था कि शैम्पू बॉटल, हैंड वॉश बॉटल को कैसे अनलॉक वगैरह करते हैं, तो ये एक और वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि किसी किसी में सबको परफेक्टली नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं सोची, मैंने यहाँ पर दो बॉटल लिया हुआ था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हर एक बॉटल का किस तरह से होता है। तो ऑलमोस्ट सभी बॉटल का हैंड वॉश ओपन करना या फिर से अनलॉक करना, फिर से लॉक करना बहुत ही इजी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस तरह से प्रेस करना है और फिर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। देख सकते हो ना फ्रेंड्स, जस्ट 1 सेकेंड के काम है ये, सिर्फ 1 ही सेकेंड का काम है ये, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। हल्का सा प्रेस करना और इसे इस तरह से घुमाना है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इस तरह से ओपन करना। क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग लाते हैं, बट ओपन करते टाइम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो हम ओपन नहीं कर पाते और कोई कोई लोग इसे तोड़कर ओपन करने की कोशिश करते। क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया हुआ था कि नहीं समझा या फिर ओपन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दो बॉटल लेकर ओपन करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से क्लोज करके बता रही हूँ। एक बार इसे इस तरह से प्रेस करना है, फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, बस इतना सा ही है। अब देख सकते हो शैम्पू आ रहा है, बहुत ऐसे इतना सा, एक थोड़ा सा शैम्पू नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम एक बार प्रेस करते हैं तो जितना आता है उतना तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमें इसे क्लोज़ करना है। इसलिए तो बहुत ही ईजीली ये क्लोज़ हो जाता है, तो आपको जितना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, ये शैम्पू ओपन करके एक छोटे से बॉटल में ले लेती हूँ और मुझे जितना चाहिए उतना मैं यूज़ करती हूँ, और बचा हुआ मैं क्या करती हूँ, फिर से इस तरह से लॉक करके मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बॉटल नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं इसलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।